पूरी आश करिए पीछे से, जहाँ से दिमाग शुरू होता है ना लोगों का, वही आपका खत्म होता है। गलती से लग गई बेटा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई अभी अभी घर पहुंचे हैं, 5 बज गए हैं और सारे बच्चे बहुत ही आराम से सो रहे हैं और हमारे घर की मालकिन उठ के आ गई है। और ठीक है, तू का नाना खाया? मैंने सुना तुमने वर्कआउट किया आज। हाँ, मिल जाओ। ये चीकू की नानी ने भिजवाया है तो भाई बहुत सारा सामान है यहाँ पे। ये तो भी आधे है, आधे आधे टॉयज दूसरे बैग में। तो जैसे चीकू सुबह उठता है तो उसके पास बहुत सारे गिफ्ट होंगे। पूरी ऐश करिए पीछे से। ऐश पूरी ऐश नहीं की जिम्मेदारी। हाँ वही जिम्मेदारी पूरी। हाँ जी, बच्चों का कमरा वो हो रहा है ना। हाँ, रेनोवेट हो रहा है। देख के पीछे अलमारी बनवाई होती। कितने दिन में लगे करेंगे? ये 2 दिन में हो जाएगा। जैद के लिए ना सिपर लेके आई थी, इसको पकड़ना नहीं आया, ऐसे वैसे पकड़ तो रहा है पर इसको पानी पीने नहीं आया, पानी पीने के लिए लाई थी। छोटा ना, बोलो 1 साल का ही तो है। तो भाई अभी सोएंगे, नींद पूरी करेंगे। जब से दिल्ली गए ना नींद नहीं पूरी हुई। ना गोलू की हुई ना लक्ष्य की हुई। खोलना इसको जरा। कुआं में क्या है बताओ? क्या है? गैस करो, खोलो। राइट, सही चल रहे हो। 3 स्टेप है। हाँ, इसको आगे घुमाओ। टूट रहा है बोलू भाई। तोड़ मत देना चीकू, चीकू सुबह निराल दे। अब बताओ है क्या ये पेन? हाँ, कहाँ से खोलते पेन? क्या लगता है तेरे को? दिमाग नहीं है हमारे अंदर। चेक कर रही थी आपको। जहाँ से दिमाग शुरू होता है ना लोगों का, वही आपका खत्म होता है। नहीं नहीं, जहाँ पे लोगों का खत्म होता है वहाँ इनका शुरू होता है। मैंने क्या बोला? आपने उल्टा बोल दिया। चलो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह उठते ही सबसे पहले बच्चों के लिए कारियां पापा 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 पापा। तो बच्चे उठ गए हैं, मेरी जानू उठ गई है, मेरी नोनड़ी उठ गई है। तो भाई सुबह हमारी बहुत ज्यादा शैतान हो गई है, नाखून मारती है बच्चों के मुंह पे। ये देखो क्या हाल कर रखा है। इधर भी देखो कान में लगा हुआ है। तूबा के नाखून काटे लक्ष, ठीक है? गई, क्या हो गया? गलती से लग गई बेटा। तू छाली कर रही है। हाँ देखो, मारने के लिए आ रहे हैं जैद। तूने बहन को मारा है। गई भाई, जैदू मम्मा को मार। मम्मा को हक कर दो, हक कर दो मम्मा को। मम्मा को हक कर दो, देखो मारने के लिए आ रहे हैं। तूने मारा? मम्मा आपको कहाँ लग रहा है? सॉरी, मारने के लिए थोड़ी यार, मेरे को दिल में आ रहा है। उसको देख पायल, मेरी चप्पल के पास चू नहीं बेटा, पैरों में नहीं आती लड़की, पैरों में नहीं आती। पायल मैंने अजमेर शरीफ से धागे लेके आई थी ये वाले, तो ये तूबा चीकू और अयान को पिना देंगे, ठीक है? क्योंकि मैंने जैद को ना वहाँ पर कवि जी ने पिना दिया था। पायल मैं सब बच्चों के लॉलीपॉप लेके आने क्या हो, मैं वहाँ पे सेठी पे गई जूस पीने, तो जैद को लॉलीपॉप लेके दिया। तो जैद ना स्कूटी में बैठ गया, पहले बैठा तो लॉलीपॉप खड़ा, इसका ना लॉलीपॉप शांति नीचे गिर गया। तो स्कूटी पैसे देख रहा सब, चलती स्कूटी से नीचे गिर रहा कि मैं उठा लूँ अपना सड़क से लॉलीपॉप। ये जैली है, आ जा लो अपनी तोती पॉप। आप खा रहे हो तोती पॉप? नहीं कौन ना तोती पॉप, तोती पॉप कौन है? तोती पॉप, तोती पॉप कौन है? नहीं दाना, नहीं तो आप तो पहले लो थोड़ा सा, पहले खोल दो, पहले आप लो ही लो ही करो फिर दूंगी। तोती पॉप दे दूंगी। जैद देखो खड़ा होने की कोशिश करो, अकेले खड़े हो दिखाओ मम्मी को, खड़े को दिखाओ। हैंड तो छोड़ो, पापा का हैंड तो छोड़ो, छोड़ दो। हाँ पापा के बच्चे पापा देखे। भी अच्छा पता है अभी क्या हुआ? हाँ पापा के बच्चे इधर। तो भाई दोनों ने ना ऐसे कोट पैंट पहने हुए, देखो और वहाँ पे काम चल रहा है। अभी उनको आदत होगी खुला घूमने की, अभी जब से ना वो काम चल रहा है ना बहुत परेशान हो रहा है ज्यादा। और कृष्णा ना तूबा की तो बात ही मत करो। तूबा को तो बड़ी मुश्किल से सुलाया है, पता क्या हुआ? क्या? हाँ क्या 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 दो अभी ऐसा क्या हुआ? गोलू आई और जैद को लड़का गोदी में, कह रही कोई लेके दिखाओ, कोई लेके दिखाओ। लक्ष्मी लेने की कोशिश। सारे फोन तोड़ दिए इसने। पायल गोलू को भी फोन तोड़ दिया। मेरा फोन का टेम्पर तोड़ दिया, पायल के फोन का टेम्पर तोड़ दिया। तेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मेरी बात कंप्लीट नहीं है, मैं क्या कह रही? तो इसके बस तो गया नहीं। गोलू कह रही जाएगा नहीं, तू बैठी हुई। मैंने कहा बैठी हुई तब भी आ जाएगा। कह रही खड़ी गोदी हो जाए, आ जाएगा। मैंने ऐसे किया, भाग के मेरे पास आ गया। कृष्णा इधर आ बेटा, तू आ, तू अच्छा बच्चा है, जल्दी आ जाओ। तो शर्ट पैंट देख लो लड़के की, ऐसे मजे क्या स्मार्ट लग रहा है। भाई को लेके इधर आ, हाथ पीछे कर, आ जा जल्दी आ। अच्छा आ जा, अब देखिए ना बड़ा प्यारा वो बोलते हैं चाचा। यश पापा बोल दो। जॉनी जॉनी बोलो, जब कैमरा पापा जॉनी जॉनी पापा होता है, यश को बोलेगा। दिमाग लेगा तूने मेरा। ओहो कैसा कैसा रहा?
बहुत अच्छा कैच किया आपने, जैसे वो उन वीडियोस नहीं होती बाप बचा लेते हैं बच्चों को गिरते गिरते, एकदम गिर रहा था मैंने एकदम टांग लगा दी देखा मेरा दिमाग अगर हम नहीं कर पाते हैं हम नहीं कर पाते इसकी तो वीडियो बननी चाहिए कैमरा होना चाहिए यहाँ पे नहीं हाँ कहाँ गिर गया था क्या हो गया क्या हो गया क्या पहले यहाँ पे खड़े होकर बात करो पहले सीधे खड़े होकर बात करो यहाँ पे सीधे खड़े होकर बात करो ये देखना कहाँ जा रहा है जाओगे यहाँ खड़े होकर बात करो मुझसे चलो बैठ जाओ भाई से बात करें भाई से भाई इधर खड़े हो सर पाँव पे काबू रखा कर ना अनु नो मना कर रहा है नो नो हेलो कर दो हेलो दे दो भाई को भाग गया वो तो लेके नहीं भागना दे दो आप फेंक दो भाई की तरफ फेंक दो भाई दे दो भाई को दे दो देख कितना अच्छा भाई खेल रहा है तू क्यों नहीं खेलता लो अब भाई को दो दो भाई को गंदा अच्छा दे 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 मेरे को दे दो मेरे को दो दे दो बॉल देनी बॉल ओह थैंक यू जो मम्मा के पास जाओ मैं फेंकूंगी ये लो लो कैच करो कैच ये फेंको 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 दे दो आंख में थोड़ी खाद नहीं थी बेटे तो इस बार जैद के बर्थडे पे ना हमने कुछ स्पेशल सोचा है और स्पेशल क्या सोचा है कि हर बार की डेकोरेशन जो होती है वो फ्लावर्स की होती है तो मैंने अभी सिर्फ फोटोज देखी हैं और सच में सीरियसली इतना मजा आ गया देख के तो गाइज इनकी जो इंस्टा आईडिया है वो इस नाम से है इवेंट डिक्योर एंड प्लानर से और बहुत सारी फोटोज है थीम्स है तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट सा करवाते हैं तो कुछ तो ऐसा कुछ सोच रही है कि ना अलग सा करें जैसे यहाँ पे जैद लिखा होगा और जैद के आगे वन लिखा होगा तो बैकड्रॉप भी अलग से बनाएंगे एंट्रेंस भी करवाएंगे तो अभी हमारा जो जहाँ पे नीचे फंक्शन है ना हम वहाँ पे जाते हैं ताकि सारी चीजें ना हमें समझ आ जाए कि कहाँ पे क्या होगा और साथ ही साथ हम ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स भी लेकर आएंगे ऐसे पू हो गया ये मुझे नहीं पता कौन सा कैरेक्टर है डोनाल्ड डक मिक्की माउस बैटमैन ऐसे वो ऐसे घूमते नहीं है पर बच्चों के बर्थडे पे हाँ। मैंने एक और चीज सोची जस्ट अभी अभी बैठ के हम लोग ना आने का होगा ना वो अलग रखवाएंगे और बर्थडे केक कटिंग डीजे वगैरह वो अलग रखवाएंगे तो अभी मुझे नीचे जाती सोसाइटी और बर्थडे जो पार्टी होने वाली है वो सोसाइटी के ग्राउंड में होने वाली है क्योंकि आपको पता है कि इतनी जल्दी जो है वेन्यू वगैरह नहीं हो पाएगा पर अपनी ही सोसाइटी में हमें ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि बच्चों के साथ ना बाहर आना जाना बच्चों की सौ चीज होती है उनका डायपर उनका दूध उनका ये उनका वो तो बाहर अगर कहीं वेन्यू पे जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारी सामान लेके जाना पड़ेगा इसलिए हमने सोचा हम सोसाइटी में ही कराएंगे जब ये बड़े हो जाएंगे तो बाहर रखा करेंगे बर्थडे पार्टी तो गाइस इस बार की गेस्ट लिस्ट बहुत लंबी है गेस्ट लिस्ट में है ताई जी दोनों बुआ और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आ रही है जैसे कि शीतल आ रही है दक्षा और जेठू भैया नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी जो बेटी है ना वो आईसीयू में एडमिट है और आप लोग सब प्रेयर करो कि वो जल्दी से घर पे आ जाए क्योंकि बहुत ही छोटी बच्ची है हमने ना वो टाइम देखा जब हमारे बच्चे ना कभी अयान बीमार हो रहा है कभी तुबा हो रही है कभी जैद हो रहा है तो वो बहुत मुश्किल टाइम होता है एक माँ बाप के लिए जब बच्चे घर पे नहीं होते ना और आईसीयू में होते हैं माँ के ऊपर क्या गुजरती है वो हमें अच्छे से पता है तो आप सब जितने भी लोग हमें देखते हो ना सब लोग उसके लिए छोटी सी परी के लिए ना प्रेयर करना कि वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए उसको ना कुछ इन्फेक्शन है पता नहीं किस चीज का है वो तो मेरी पूरी डिटेल में बात नहीं हुई पर ये पता लगा मैंने कल फोन किया था उनको इन्वाइट करने के लिए तो उन्होंने बोला कि इस बार तो नहीं आ पाएंगे पर जब आयान और तुबा कुछ होगा ना तब जरूर आएंगे मेरी बेटी अभी आईसीयू में है तीन दिन हो चुके थे कल मतलब फाइव डेज बोला उन्होंने हॉस्पिटल में कि रखना पड़ेगा तो प्रेरणा है स्वामित है मिठू है हमारे जतिन भैया हैं और भी बहुत सारे लोग हैं सारी मैच गेस्ट लिस्ट आपको बताने वाली हूँ कि कितने लोग आने वाले हैं मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जैद के बर्थडे के लिए क्योंकि जैद का बर्थडे फर्स्ट है तो मैं बहुत ज्यादा ग्रैंड बनाना चाहती हूँ कि बच्चा जब बड़ा हो ना तो अपनी एल्बम देखे और खुश हो जाए कि मम्मा पापा ने इतने अच्छे से जो है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था मेरे को ना चीकू की एल्बम याद आती है फर्स्ट एल्बम थी ना उसके जो छोटा सा बिल्कुल है वो बाल गंजा गंजा सा है थोड़े थोड़े यहाँ पे काला टीका लगाया हुआ था कोट पैंट जैसा पहना हुआ था तो हाँ बेटा वापस कॉल करना दादी चाचू को एक बार पूछ लो जहाँ पे मैं चाचू का फोन आया चाचू कह रहा है एक और दूसरा है ना वो वाला भी है मेरे पास कौन सा पास दूसरा पुल और हाँ सबसे पहले तो नीतू मासी को मैंने स्पेशल कॉल किया मैंने कहा अगर तू इस बार नहीं आई ना फिर देख लियो तू कह रही नहीं नहीं दीदी इस बार तो पक्का आऊंगी क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं वो सब कुछ संभालती है लखन भैया और वो ना उनकी भी इतनी बड़ी टीम है तो उनको बहुत सारे काम होते हैं तो पिछले किसी भी फंक्शन में वो नहीं आ पाए पर इस बार उन्होंने बोला कि दीदी पक्का से पक्का हम लोग जरूर आएंगे और नीतू क्योंकि अभी आपको पता है बहुत सारे कामों में लगी पड़ी और बहुत सक्सेस को छू रही है और मैं चाहती हूँ मेरी बहन और मेरे भाई ऐसे ही सक्सेस को छूते रहें और अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छी कर सके गेस्ट लिस्ट से याद आ गया मुझे बड़ी सारी चीजें मैसेज देखने पड़ रहा है अब मैंने दीक्षा को इन्विटेशन भेज दिया दीक्षा को मैंने कर दिया था कर दिया था चल ठीक है दीक्षा मम्मी और चीना कन्नू इस बार कन्नू भी आ रहा है पापा भी आ रहे हैं सब लोग आ रहे आना है हाँ जी आपके पुत्र का बर्थडे है उसके बाद मेरा बर्थडे
इसके बाद फिर अयान और टूबा का बर्थडे है, फिर चीकू का बर्थडे है। अच्छा इनका क्या, अच्छा फर्क है ना, मैंने सोचा था इकट्ठे हुए थे तीनों। नहीं नहीं फर्क है, पहले जैद हुआ था, फिर 20 दिन बाद अयान टूबा आए थे, फिर चीकू तो हुआ ही था पहले। सही है ठीक है। हाँ 6 तारीख को आना है बिल्कुल। मैंने कहा आपको मैं कल भी याद दिलाऊंगी, परसों भी याद दिलाऊंगी, ठीक है। हाँ जी आऊंगी। चलो ठीक है जी, और बताओ। बस ठीक, ये लो बात करो। ठीक है और तो गाइस फटाफट सारा काम करना है क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मतलब बहुत ही लेट निकल रहे हैं घर से, और सारा राशन लेके आना है जो भी बर्थडे पार्टी में बनने वाला है ना, तो पूरा इतना सारा सामान आना है। मम्मा हाँ मेरे लिए भी कुछ ले आना, इतने पेट ही नहीं भरता टॉय से। तो गाइस आज हम जा रहे हैं होलसेल मार्केट में सामान लेने के लिए क्योंकि हम हमेशा सामान कहीं और से लेते हैं, तो इस बार सोचा एक नया ट्राई देते हैं, देखते हैं क्या सेविंग होती है क्या नहीं होती, तो जो भी चीजें होगी ना आपको बताएंगे ताकि आपको भी हर एक चीज की नॉलेज हो जाए। इसको देख लो भाई, घर से निकलते मेकअप शुरू। मैंने कहा था कि मेकअप नहीं करेंगे, फिर भी इसने मेकअप रख लिया, और इसने रख लिया ना तो ये अब वॉशरूम में थी, तो मैंने सोचा मैं घर ही लेती, तो मैंने फटाफट से अपना हल्का सा ब्लशर लगाया, हल्का सा फाउंडेशन और लिपस्टिक, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। जब ऐसे घर में प्रोग्राम होते हैं ना तो बड़े लोगों की बहुत ज्यादा वो मिस करते हैं हम लोग, क्योंकि माँ बाप अगर होते ना, मम्मी पापा होते तो वो कितना खुश होते अपने बच्चों के बच्चों का फर्स्ट बर्थडे देख के, और हमारी तैयारियों में हमारे साथ हमें बताते ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अभी जितनी हमें समझदारी है, जितना हमें पता है, हम उतना तो करते ही हैं, पर मम्मी पापा वगैरह होते ना तो वो और भी चीजें बताते कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और एक चीज और है जो मैंने चीकू के फर्स्ट बर्थडे पे किया था कि जितना मतलब बच्चे का वेट होता ना उतना अनाज उसपे उतने अनाज तोल के किसी को भी देना चाहिए, तो वो भी जरूर जैद का करना है मुझे। पहले साल का बर्थडे है 6 तारीख को, ठीक है। नहीं आप ये शादी में भी नहीं आए, जरूर कर देते हो। होए रब्बो कितने झूठे हो, जतिन भैया को फोन किया था पूछो। गाइस अभी हम आ गए एक शॉप पर, ये ना होलसेल की शॉप है, जैसे हम पहले कभी सामान लेने जाते हैं तो वहाँ जाके हमें खुद से सामान निकालना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम अपनी लिस्ट दे देंगे और बैठ जाएंगे और जो भी सामान है ना भैया निकाल कर दे देंगे। बस हमको ये बताना है कि हमें सामान कितने लोगों के हिसाब से चाहिए, जैसे हमारी जो पार्टी है ना पहले 50 लोगों की पार्टी हो रही थी, अब मुझे ऐसे लग रहा है 80-90 भी हो सकते हैं, 100 भी जा सकते हैं। वीडियोग्राफर बिल्कुल भी ऐसे भी बात हो गई है, मैंने कहा पूरी टीम लेके आना, हम सारी यादें वीडियोग्राफर फोटोग्राफर सब चाहिए। तो गाइस हम बड़े बड़े स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे ना हमें एक एक चीज खुद से ढूंढनी पड़ती है, और वहाँ हमारा टाइम जाता है 2-2.5 घंटे। तो हम एक जनरल स्टोर पे आए हैं और यहाँ पे ना होलसेल ही है, ये भी जहाँ जाते हैं वो भी होलसेल होता है, पर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वहाँ से और यहाँ में कितना डिफरेंस होगा। और गाइस मैंने सारे हमारे परिवार को भी बता दी है, क्योंकि देखो परिवार वाले फिर भी देखो एक बार कॉल करना बनता है, तो सरोज भाभी को, सपना दीदी को, सुनीता दीदी को, मुस्कान को, मुस्कान की सास को, सबको इन्विटेशन दे दिया है। तो बस अभी वेट है 6 तारीख को कि हमारा पूरा परिवार मिलेगा, बहुत सारा धूम मचाएंगे। तो भाई जैद अयान चीकू और हम सबकी ड्रेस हो गई थी, सिर्फ तूबा रह गई थी, तूबा के पास ब्लैक फ्रॉक है पर वो पहन चुके हो, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ नया देखते हैं, अगर यहाँ से मिल गया तो बहुत अच्छा। तो वो फ्रॉक ना गाइस थोड़ी उसको ना यहाँ से ना लगती भी है, तो मैं कुछ कंफर्टेबल देखूंगी। तो गाइस ब्लैक में एक ही ऑप्शन मिला और मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी मिनी स्कर्ट बन जाएगी, तेरी भी बड़ी है, तूबा को आएगी ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ये वाली कोटी थी और इसे छल्ला होता है ना जो साइड पे लगाते हैं वो भी था इसमें, पर ये आएगा नहीं उसे, बहुत बड़ा साइज है। तो यहाँ पे ब्लैक भी एक ही ऑप्शन है, अब देखते हैं आगे जाके मिलता है कि नहीं। ब्लैक ड्रेस मिल नहीं रही है, और ब्लैक ऐसे ब्लैक इतना होता है लोगों के पास, जब चाहिए तो ब्लैक नहीं है। एक काम करते हैं कहीं और जगह वीआईपी मार्केट से हम ट्राई कर लेंगे, वीआईपी मार्केट सारी घूम ली, तीन चार दुकान पे जाके सिर्फ ज्यादा दो मंजिल चढ़ गए ऊपर सीढ़ियों से, ब्लैक तो नहीं मिलेगी। मैं नीचे ही बता देते हमें ब्लैक नहीं, आपने पूछा नहीं भैया ऑट हो जाएगा। चलो भाई दो मंजिल नीचे चलो, नानी भी व्हाइट पहन रही है ना, हाँ प्रॉपर ब्लैक चाहिए, कुछ है ब्लैक में हल्का सा प्रिंट हो कोई दिखा दो, कोई बात क्या पता कुछ पसंद आ जाए, देखने में क्या जा रहा है। अब इतनी दूर चढ़ के आया तो फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, व्हाइट तो भाभी आप वहाँ भी देखी ना, कितनी सुंदर थी वो। नहीं नहीं भैया ये नहीं चाहिए, आज चलो। तो गाइज अभी जस्ट मैंने ना बात करी है वेलवेट बॉक्स पर श्वेता से, तो ना उन्होंने ना एक साड़ी भिजवाई थी पिछली बार, तो लास्ट टाइम आपको बताया था, तो मुझे ब्लाउज का थोड़ा पंगा हुआ था, वो साड़ी हमने होल्ड पे रख लिया क्योंकि इनमें एक साड़ी पिंक है गोल्डन है, जो गोल्डन वाली साड़ी ना सेम मैं अपने लिए गोल्डन मंगवा रही हूँ, जो ब्लाउज है ना वो अनस्टिच करवा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ब्लाउज ना मैं अपनी फिटिंग कैसे कराऊँ, तो साड़ी ना वीफास्ट करवा रही है तो मुझे कल मिल जाएगी। अगर एक दिन में ब्लाउज बन जाएगा मेरा तो लगा ले 6 तारीख को मुझे, 6 तारीख को सुबह मिल जाए तब भी हम दे देंगे जहाँ से हम ऑलरेडी स्टिच करा, हम सुंदर लगेंगे पालियर, मेरे को तो बड़ा मन कर रहा है कि हम दोनों वो ब्लैक वाली आउटफिट तो पहने उसके साथ हम एक साड़ी भी, जैसे ब्लैक आउटफिट है वो जब हम एंट्री करेंगे ना बच्चे के साथ तब वो पहन लेंगे ताकि फोटो वीडियोस हो जाएंगे, फोटो वीडियोस हो जाएंगी, फिर बाद में कंफर्टेबल होने के लिए हम साड़ी पहन लेंगे। पहले खास बंदे को नहीं बुलाया हमने, कौन जो बहुत ज्यादा खास है, जिन्होंने हमें जैद को दिया, खास तो सारी जिन्होंने हमें जैद को दिया, भगवान जी
उनको कैसे बुला सकती हूँ? चीकू पापा भगवान का रूप है वो, नूपुर मैम। अच्छा हाँ, नूपुर मैम को कॉल कर देती है। नूपुर मैम को मैंने अभी मैसेज करा है। देखो नूपुर मैम की वजह से मेरी प्रेगनेंसी, पायल की प्रेगनेंसी ठहरी थी, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जितेंद्र सर, नूपुर मैम, जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है बच्चों को, मतलब मुझे क्या बच्चों को तकलीफ होती है तो वो मुझे ही तकलीफ होती है, तो मैं वहीं जाती हूँ, तो उनको कॉल करना तो बनता है। कॉल कर दे। पूछ रही थी ये क्या चेरी है, तो चटनी वटनी वाली है, क्या बना रहे चटनी का? वो है इसमें, वो मंचूरियन खाने को भी, मंचूरियन बनवा रही हूँ ना। मंचूरियन चाउमीन नहीं है, चाउमीन ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। मंचूरियन पास्ता, और कौन सा पास्ता बनाओगे? वो है क्या नाम, दही कबाब, दही कबाब बनाएगा, दो दिन पास्ते बना लेंगे, बना देना सारे खाने में। मंचूरियन नहीं, वो व्हाइट सॉस पास्ता, वो वाली क्या कहते हैं उसको, चाउमीन, चाउमीन और व्हाइट सॉस पास्ता और मोमोज। आपको क्या पसंद है भाभी जी? मेरे को सिंपल कर का भाभी का, तुम्हारा चाउमीन, चाउमीन चाउमीन नहीं रखवाई मैंने, चाउमीन ठंडी हो जाती है और मोमोज भी सारे फिस-फिस हो जाते हैं। मोमोज कौन रखता है पार्टी में? मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, क्या पसंद है तो मैंने बताया ना, रखने में तो कुछ भी रख सकते हैं भाभी पार्टी में, तो पर मोमोज नहीं रखेंगे, तो वही चीज है, तो ढंकी हो जो खाई जाए। बिल्कुल भाई, मटरी है क्या? क्या बोल रही है? अरे भैया से क्या बोलते हैं? नमक पारे बोलते हैं, नमक पारे भी बोलते हैं, नमक पारे भी बोलते हैं हमारे, मटरी नहीं, ज्यादा मटरी बोलते हैं, मम्मी मटरी बोलती है ना, मटरी मटरी बोलते हैं भाभी हमारे तो, उस दिन मटरी बोलते हैं, उस दिन बाद हरियाणा में भी नमक, हां हरियाणा में भी नमक, और पंजाब में बोलते हैं मटरी, मटरी बोलते हैं। दो डब्बे दे, उस दिन भाभी बोल रहे हैं, ये पैकेट है, एक पैकेट और, गोलू भाभी उस दिन भाभी बोल रही है कि नमक पारे ले आना। मैं नमक पारे क्या चीज आ गई, मैं ढूंढने पागल हो गया, मिले ये बोल रहे थे कि मटरी चाहिए, मैं हेलो जी, ओ ठीक नहीं है, वो मेरी माँ वही चाहिए, तीन ले ले कोई, पापा तीन ठीक है, चार दे दो, चार दे दो। अब बोलोगे चार ठीक भी होती, पांच नहीं, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। ये किसने कहा है भाभी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा? बड़े बुजुर्ग कहते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। अच्छा, वो बोलते थे कि खा बिना खाए घर से बाहर नहीं निकलना, तो देखो हम बिना खाए निकले, इसलिए बुक किया। तो भाई सामान यहाँ पे सारे लग चुका है, फटाफट बिलिंग का वेट करें, क्योंकि भाई एक डेढ़ घंटा हो गया, टाइम तो लग जाता है, क्योंकि छोटी जगह जगह से सामान निकाला है। तो भाई यहाँ का सारा सामान हो गया डन। इस बार ना हमारा जो राशन है ना, जैसे हमारे बार शादी पार्टी या किसी चीज के लिए लेते हैं ना, उससे अलग इस बार चाट पापड़ी ये सब का भी सामान था सारा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिजनेबल लगा, मतलब 20-22 हजार में, 20-21 हजार में हमारा सारा सामान आ गया है, जिसमें चाट वाट का सारा सामान है, सिर्फ हमें जो सब्जी है और डेयरी का जो सामान है वो लेना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ से निकलते निकलते वो सारा काम भी कर ही दूँ, फिर काम एक बार खत्म हो जाएगा। और भैया ने बहुत अच्छी जगह बता दी, कोई भी शादी पार्टी कुछ भी हुआ घर में, कुछ भी फंक्शन हुआ, तो सारा राशन जो मैं यहीं से लूँगी। मेट्रो से मुझे ना एक तो खुद मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरा कि प्राइस में भी शायद डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ से जब हम लेने जाते हैं 25-30 हजार का सामान हो जाता है, यहाँ से हमें 21 हजार के बीच में सारा सामान मिल गया, जिसमें कोल्ड ड्रिंक भी ऐड करी हमने, चाट का सामान सारा ऐड किया है, डिस्पोजेबल वगैरह। अच्छा, हम डिस्पोजेबल वगैरह भी बाहर से लेते थे, हाँ लेते थे बाहर से, और इस बार यहाँ से ले लिया सारा, प्यूरी वर्नर भी सब कुछ, फॉइल फ्यूल वाले। और भाई तूबा के ड्रेस के लिए कुछ नहीं हो पाया, तो मुझे ऐसा लगता है तूबा को वही ब्लैक ड्रेस पहननी होगी, तभी उसके लिए ब्लैक कुछ नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए पहना दूंगी, थोड़ा सा ना बच्चे का क्या होता है, नेट वेट होता है ना, तो बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो मैं ऐसा करूंगी पहले उसे ब्लैक के साथ ब्लैक बना दूंगी, इस पूरी थीम के साथ। उसके बाद ना उसके लिए एक प्यारा सा सूट बन के आया है, जो मेरा, गोलू का और सारे बच्चों का, भाभी का जो है ना, जिन्होंने हमारी हल्दी की, अभी नहीं आए, कल आएंगे शायद, हल्दी की ड्रेस सिली थी बच्चे की शादी में, तो उन्होंने ही कुछ ड्रेस बनाई है मेरी, तूबा की और गोलू की एक जैसी, बच्चों की शादी, अरे मंदीप भैया की शादी में, तो वो शायद हम उसे चेंज करा देंगे उस टाइम। मैंने पायल को अभी भी याद दिलाया, मैंने कहा पायल बर्थडे कैप मंगवा दी अच्छी सी, तो मैं तूबा की पिंक कलर की बोली है, अयान जैद की सेम मंगवा लेंगे, और शीकू की जो बर्थडे कैप है थोड़ी सी बड़ी मंगवाएंगे, बड़ा बच्चा है, तो पायल चारों बच्चों की बर्थडे कैप, क्योंकि और कोई तो बच्चा होगा नहीं पार्टी में। तो भाई यहाँ पे सारा सामान जो है वो गाड़ी से उतारा जा रहा है, और 10 नंबर वाले फ्लैट पे रखेंगे, क्योंकि अभी ऊपर जो है ना काम चल रहा है, आपको पता है 13-11 में भी, 13-12 में भी काम चल रहा है, गैस का कनेक्शन भी हो रहा है, तो सारा सामान वहीं रख देंगे 10-11 में, जब जिस दिन उतारना होगा वहीं से नीचे उतर जाएगा। फिलहाल सामान उतरना शुरू। एक बार बतवानू, आपको भी आदत हो गई बाहर घूमने की? मैंने बोला मम्मा, कह रहे पापा, अनु मम्मा, अच्छा चाचा बोल दो, चाचा चाचा चाचा, अनु ना ना कर दो, ना कर दो, बहुत प्यारा ना करता है। ये बात बताओ, आप सारा दिन नीचे घूमते रहते हो, आदत पड़ गई घूमने की है? चुप कह रहे, चुप 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 कह रहे मेरे को, हाँ चुप चुप करे, क्या चुप चुप बोला? हाँ आप चुप पुप चुप, आप चुप
हाँ छूना नहीं है आपको, जब मैं गई थी थप्पड़ मारा मेरे को जब मैं गई थी यहाँ से तब भी आप जवाब जब तू मम्मा को पीटी को कर ले, मम्मा को पीटी कौन करता है, गंदा बच्चा मम्मा को कौन पीटी करता है, ओ मेरा छूना गुका